हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एमी क्लासेज में। आज हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग का एक मॉडल देखेंगे और ये है कॉब मॉडल। ये इकोनॉमिक्स का मॉडल है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। चलिए हम लोग देखते हैं इस मॉडल के को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं द कॉब मॉडल। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस मॉडल को देखने के पहले जो जो जुड़े हुए हैं वो कम से कम अपने फ्रेंड्स को बता दें। क्लास स्टार्ट हो गया है, हम लोग क्लास को स्टार्ट अप करेंगे। गुड इवनिंग पिंकू, गुड इवनिंग मंटू। अगर सब कुछ ओके है, क्लियर है, आवाज़ वगैरह आ रही है तो आप यस लिखें ताकि मैं क्लास को स्टार्ट करूं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप बताएं। तो चलिए मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बाद फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा। जो भी जुड़े हुए हैं लाइव कमेंट करके बताएं कि सब कुछ ठीक है, ओके है, साउंड वगैरह आ रही है, तो मैं स्टार्ट करूंगा। पिंकू, मंटू, गुड इवनिंग। और मुझे लग रहा है सब ठीक है। पिछले क्लास में साउंड में थोड़ा सा इको था, आप सभी जो हैं वो कमेंट करके बताएं नहीं, आज मैं उसको ठीक कर लिया हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कॉबवेब मॉडल क्या है। बिल्कुल समझने वाला चीज़ है ये, आप सभी ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट पी टी प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन द ईयर टी एंड क्यू टी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल इन द मार्केट इन ईयर टी। दो चीज़ हम लोग ले रहे हैं, कोई भी कमोडिटी जो है, कोई भी वस्तु है, उसका प्राइस टी ईयर में जो है वो पी टी है, और वो कमोडिटी टी ईयर में जितना अवेलेबल होगा मार्केट में सेल होने के लिए वो यहाँ पर क्यू टी है। क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं P2 अगर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सेकेंड ईयर में मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग ये स्टार्ट किए कैलकुलेशन हम लोग 1990 से, तो ये हो गया P0। यहाँ पर जो प्राइस होगा वो P0 हो जाएगा। हम लोग 1991 में जब चले जाएंगे तो यहाँ पर जो प्राइस होगा कमोडिटी का वो P1 से डिनोट करेंगे। अगर 1992 में हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पर जो प्राइस होगा उसको हम लोग P2 से डिनोट करेंगे। तो PT क्या बता रहा है, PT बता रहा है प्राइस, कमोडिटी का प्राइस, कोई भी वस्तु है उसका प्राइस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसी साल मान लीजिए अगर 1990 में जो वस्तु है उसका जितना मार्केट में अवेलेबल था उसको हम लोग Q0 से डिनोट करेंगे। 1991 में जो वस्तु मार्केट में अवेलेबल होगा उसको हम लोग Q1 से, इतना अमाउंट वो कमोडिटी जो है वो अवेलेबल होगा मार्केट में सेल होने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1990 से, तो यहाँ पर दो साल आगे जब चले जाएंगे 1992 में, तो जितना मार्केट में अवेलेबल होगा कमोडिटी उसको हम लोग Q2 से डिनोट करेंगे। तो ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ उसके बारे में समझिए कि PT क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द ईयर टी, टी ईयर में जो प्राइस होगा किसी भी कमोडिटी का वो PT है, और QT अमाउंट ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल इन द मार्केट इन ईयर टी, मार्केट में जितना अमाउंट कमोडिटी का, जितना भी अमाउंट अवेलेबल है टी ईयर में उसको हम लोग QT से डिनोट कर रहे हैं, ये सेल होने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर किसी भी मॉडल को तैयार करने के लिए कुछ एजम्पशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वी मेक द फॉलोइंग एजम्पशन, क्या एजम्पशन है, अमाउंट ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड दिस ईयर एंड अवेलेबल फॉर सेल इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द लास्ट ईयर। इसको समझिए इस तरीके से, मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड दिस ईयर, मान लेते हैं पहला साल या दूसरा साल की बात करें, दूसरा साल जो है जितना अमाउंट मार्केट में अवेलेबल है सेल होने के लिए, जितना प्रोड्यूस्ड हुआ और सेल होने के लिए मार्केट में जितना अवेलेबल है वो अमाउंट डिपेंड करता है पिछले साल के प्राइस पर, लास्ट ईयर के प्राइस पर, यानी कि किस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट ईयर के प्राइस पर। कैसे फर्स्ट ईयर के प्राइस पर डिपेंड करेगा ये जरा समझिए। मान लीजिए अगर टमाटर की बात करें हम लोग, तो टमाटर अगर इस साल काफ़ी महंगा है, मान लीजिए 80 रुपये केजी टमाटर बिक रहा है, तो अगले साल क्या होगा, अगले साल किसान जो है वो ज़्यादा टमाटर लगाएगा,
क्यों ज़्यादा लगाएगा? क्योंकि वो देख रहा है कि इस साल जो है प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है टमाटर का, तो अगले साल जो है वो टमाटर का उपज ज़्यादा करेगा, किसान जो है वो ज़्यादा उपज करेगा। और जब ज़्यादा उपज होगा तो फिर क्या होगा, उस साल टमाटर का प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी तो ज़्यादा हो जाएगा उसका। तो क्यू टी यानी कि अमाउंट जो है वो सेकेंड ईयर में जितना मार्केट में अवेलेबल होगा कोई भी कमोडिटी, वो इसके पहले वाले ईयर के प्राइस पर डिपेंड करेगा। अचानक तो रातों रात कोई भी चीज़ बन नहीं जाता है, उसको बनाने में तो समय लगता है। तो अगले साल जो, जैसे अगर हम लोग ज़्यादातर ये कॉबवेब मॉडल जो बनाया गया था वो एग्रीकल्चर पर्पज से ही बनाया गया था उस समय। तो एग्रीकल्चर में एक सीजन मान लीजिए इस साल का अगर सीजन है, तो इस साल जितना प्राइस है अगले साल फिर वो जो यहाँ पर मार्केट में प्रोडक्ट आएगा, तो अगले साल हम लोग मान लेते हैं कि Q2 अमाउंट आ रहा है तो वो लास्ट ईयर का जो प्राइस था उस पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ये प्राइस लीनियर फंक्शन है। आप देखिए अमाउंट ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड दिस ईयर एंड अवेलेबल फॉर सेल इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो है उसके प्राइस के लीनियर फंक्शन के इक्वल होगा। लीनियर फंक्शन मतलब Q2 जो है वो इसका लीनियर फंक्शन होगा, यानी कि इसका स्क्वायर वगैरह नहीं होगा, P1 का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर लीनियर फंक्शन होगा। तो कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं 2 + 3 P1 के बराबर है, Q2 जो है वो 2 + 3 P1 इस तरीके से लीनियर फंक्शन के इक्वल होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या यहाँ पर बनता है कि Q T जो होगा वो α+β PT-1 के इक्वल होगा। α+β PT-1 यहाँ पर Q T है, ये टी जो है वो टीएथ ईयर में जितना अमाउंट होगा वो इसके पहले वाले ईयर के प्राइस पर डिपेंड करेगा। तो टीएथ ईयर का जो कमोडिटी का अमाउंट होगा वो इसके जस्ट पहले मतलब T-1 ईयर में जो प्राइस होगा उसका लीनियर फंक्शन होगा। यहाँ अल्फा और बीटा जो है वो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। अब यहाँ देखिए वेयर बीटा ग्रेटर देन 0 सिंस द लास्ट ईयर प्राइस वॉज हाई द अमाउंट अवेलेबल दिस ईयर वुड ऑल्सो सो हाई। बीटा जो है यहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा जरा आप समझिए इसको। इस एग्जाम्पल से मान लेते हैं सेकेंड ईयर में जो मार्केट में अमाउंट होगा Q T, यहाँ अल्फा के जगह मान लेते हैं हम लोग 100 ले लेते हैं, अगर बीटा के जगह हम लोग यहाँ ले लेते हैं -20, बीटा के जगह -20 और यहाँ पर प्राइस P1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दो केस बनाते हैं। एक बार हम लोग P1 जो है P1 को हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 20 रुपीज़ था प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ था, तो उस केस में Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा 100 और -20, या इसको हम लोग ऐसा करते हैं 20 रुपीज़ नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको 2 रुपीज़ ही रखते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 रुपीज़ ही रखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप इसमें पुट कीजिए 100 - 20 × P1, तो P1 का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ रहा है 100 - 40 मतलब 60 आ रहा है ये प्राइस, ये अमाउंट जो होगा सेकेंड ईयर वो 60 अमाउंट होगा, आप चाहे वो 60 टन हो या जो भी हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग बीटा जो है वो नेगेटिव लिए, अगर बीटा पॉजिटिव लें Q2 = मान लेते हैं 100 और यहाँ पर +20 P1 लेते हैं, तो 20 P1 लेते हैं, और अगर प्राइस को हम लोग क्या करते हैं प्राइस जो है यहाँ पर 2 ही रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 100 40 हो जाएगा, सॉरी 100 ये 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर P1 जो है वो 2 रखे थे, P1 को अगर हाई कर दें, P1 को अगर हम लोग 2 के जगह 4 कर देते हैं, देखिए यहाँ पर इधर P1 के जगह 4 कर देते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं, तो प्राइस बढ़ने से क्या होगा अमाउंट ऑफ कमोडिटी तो ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर कोट करेंगे तो 100 - 20 × 4 हो जाएगा। आप जरा समझिए फिर से यहाँ पर देखिए कि ये जो Q2 = 100 - 20 P1 था, तो अब P1 का वैल्यू अगर हम लोग 4 कर दें, यहाँ दो ऑप्शन ले रहे हैं, एक तो 2 ले रहे हैं तो 60 आ रहा है, 60 अमाउंट जो है वो अवेलेबल होगा सेकेंड ईयर में, और अगर 4 करते हैं तब कितना अमाउंट अवेलेबल होगा, 4 करने से ये हो जाएगा 100 - 80 यानी कि 20 हो जाएगा। तो क्या हुआ प्राइस अगर हम लोग बढ़ाएं तो अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गया। आप देखिए यहाँ पर अगर अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो कम हो गया, 2 अगर प्राइस रखते हैं 2 रुपीज़ प्राइस रखते हैं तो अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी जो है वो सेकेंड ईयर 60 आ रहा है, और अगर प्राइस को बढ़ा दिए तो ये 20 हो गया,
आपको मैं बता चुका हूँ अभी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो अमाउंट ज़्यादा होगा। मान लीजिए अगर इस साल जो है 80 रुपये टमाटर बिक रहा है, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो मार्केट में ज़्यादा टमाटर आएगा, क्योंकि किसान ज़्यादा पैदावार पैदा करेगा उस टमाटर का। तो यहाँ पर अगर प्राइस को बढ़ाते हैं तो ये बढ़ना चाहिए Q2, यहाँ पर घट जाता है तो माइनस हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पर देखते हैं बीटा, अगर माइनस लिए तो नहीं, ये अमाउंट जो है अमाउंट अवेलेबिलिटी कम हो गया। तो प्राइस को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो बीटा लेना पड़ेगा वो बीटा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर इधर हम लोग देखते हैं, इधर आप P1 की जगह 2 रखिएगा, 2 रखते हैं तो यहाँ पर 140 आ रहा है, और अगर 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे तो बढ़ जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तो प्राइस बढ़ाने से अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी बढ़ना चाहिए, तो इसीलिए बीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा। चलिए, मुझे उम्मीद लगता है कि ये मैं बीटा क्यों पॉजिटिव लिए हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप बताएं और मैं फिर से बताऊंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताएं, ताकि मैं इसको आगे भी बता पाऊं कि बीटा क्यों पॉजिटिव हुआ। अब हम लोग सेकेंड यहां पर लेते हैं। सेकेंड क्या है कि द प्राइस ऑफ द कमोडिटी दिस ईयर इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ द अमाउंट अवेलेबल दिस ईयर। देखिए, अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी जो है कमोडिटी का, वो लास्ट ईयर के प्राइस पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी, कमोडिटी का क्वांटिटी लास्ट ईयर के प्राइस पर डिपेंड करता है, लेकिन प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी के इसी ईयर पर डिपेंड करता है। कैसे, आप जरा समझिए इसको। इस एग्जांपल से यहाँ पर मान लेते हैं, इस बार टमाटर जो है टोमेटो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैदावार इस बार हुआ है 2020 में। मान लेते हैं बहुत ज़्यादा टमाटर मार्केट में आ गया, तो बहुत ज़्यादा आ गया तो प्राइस क्या होगा। अगर क्वांटिटी वेरी लार्ज कर दें, ये लार्ज अगर कर देते हैं, मार्केट में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका प्राइस क्या होगा, लो होगा ना इसी साल का ना। अगर ये पिछले साल का क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, पिछले साल कम पैदावार हुआ होगा उससे मतलब नहीं, इस साल मार्केट में जितना क्वांटिटी आया है उस पर प्राइस डिपेंड करेगा। क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस लो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि प्राइस ऑफ, यहाँ पर मैं वही सेकेंड एजम्पशन लिखा हूँ कि द प्राइस ऑफ कमोडिटी दिस ईयर इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन दिस ईयर। प्राइस जो होगा कमोडिटी का, वो इस बार जितना भी अमाउंट है उसका लीनियर फंक्शन होगा। यहाँ पर उसका लीनियर फंक्शन होगा, तो देखिए बना रहे हैं PT। PT क्या बता रहा है, प्राइस। PT इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा QT। यहाँ पर ये लीनियर फंक्शन है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है QT का, तो QT का एक लीनियर फंक्शन है। गामा और डेल्टा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, डेल्टा यहाँ नेगेटिव होगा। क्यों डेल्टा नेगेटिव होगा, मैं यहाँ पर समझाऊंगा। डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सिंस QT इज लार्ज द प्राइस वुड बी लो। अगर QT लार्ज होगा मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम होगा। कैसे कम होगा, जरा इसके बारे में आप समझिए। यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं इक्वेशन, PT इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा QT। तो मैं इसी को लिखूंगा यहाँ पर, आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए कि प्राइस PT इक्वल टू क्या हम लोग लिए, गामा प्लस डेल्टा इंटू QT। अब मैं बता रहा हूँ कि डेल्टा यहाँ पर नेगेटिव होगा। क्यों डेल्टा इसलिए नेगेटिव होगा कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्राइस कम होगा, क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो प्राइस कम होगा। मान लेते हैं ये इस तरीके का फंक्शन है, PT इक्वल टू गामा के जगह हम लोग 100 लेते हैं और डेल्टा हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव ले लेते हैं, डेल्टा ले लेते हैं 2। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि डेल्टा जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव लिया हूँ। अगर यहाँ पर इस बार जो है वो क्वांटिटी मान लेते हैं 20 टन आया, 20 टन मार्केट में अवेलेबल है, तो उस समय प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 2 इंटू 20, यानी कि ये आ रहा है 140। लेकिन अगर क्वांटिटी को बढ़ा दें तो प्राइस तो घटना चाहिए, मान लीजिए क्वांटिटी को 40 कर देते हैं, तो यहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस 2 और QT का वैल्यू 40 है, तो ये हो रहा है 180। तो क्या हुआ, प्राइस तो इंक्रीज कर गया, 140 था तो प्राइस इंक्रीज कर गया, जबकि क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर बढ़ाए हैं। आप देख रहे हैं मैं क्वांटिटी बढ़ाया था, क्वांटिटी यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, क्वांटिटी को हम लोग किए थे यहाँ पर 20 लिए थे, तो प्राइस आया था 140, और क्वांटिटी को बढ़ा करके अगर हम लोग 40 कर दिए तो प्राइस भी बढ़ गया, प्राइस हो गया 180। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए गामा जो है यहाँ पर, सॉरी डेल्टा क्या होगा, देखिए मैं डेल्टा के बारे में बता रहा हूँ कि डेल्टा क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा नेगेटिव रखेंगे तो क्वांटिटी बढ़ाने से प्राइस भी कम होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ का ध्यान रखिएगा जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन हम लोग 2 ले रहे हैं।
तो इसमें बीटा पॉजिटिव है और डेल्टा जो है वो नेगेटिव है। चलिए अब ये दो एजम्पशन हम लोग किए हैं ये कॉबर्ग मॉडल में, तो दो एजम्पशन किए अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया हूँ, सिर्फ देखिए यहाँ पर पीटी जो है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी है इन द ईयर टी, क्यूटी जो है अमाउंट ऑफ कमोडिटी है अवेलेबल इन द मार्केट इन ईयर टी, टी ईयर में जितना मार्केट में कमोडिटी अवेलेबल है वो क्यूटी है। और यहाँ पर हम लोग दो एजम्पशन बनाए, पहला एजम्पशन हम लोग क्या किए कि कमोडिटी जितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है इस साल और मार्केट में अवेलेबल है सेल होने के लिए वो लास्ट ईयर के प्राइस पर डिपेंड करता है और प्राइस लास्ट ईयर के प्राइस का लीनियर फंक्शन होता है, तो क्यू टी जो है वो पी टी माइनस वन का लीनियर फंक्शन होगा। और दूसरा यहाँ पर हम लोग बनाए कि कमोडिटी का जो प्राइस होगा वो इसी साल के क्वांटिटी का लीनियर फंक्शन होगा, इस साल में जो प्राइस आएगा वो इसी साल के कमोडिटी जितना मार्केट में अवेलेबल है उसके अमाउंट पर के लीनियर फंक्शन होगा, तो पी टी इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा क्यू टी। और अगर कमोडिटी का अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा इस बार मार्केट में है, तो प्राइस भी कम हो जाएगा, उल्टा होगा, कमोडिटी का अमाउंट ज़्यादा है तो प्राइस कम होगा, तो डेल्टा यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर बीटा जो है वो पॉजिटिव। तो मैं ये दो चीज़ बताए हूँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। अभी इक्वेशन वन और टू दो आया था ना, देखिए दो इक्वेशन क्या आया था, देखिए मैं यहाँ पर इसके बारे में बता रहा हूँ कि वन और टू जो है इक्वेशन क्या था, यही था QT इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा PT माइनस वन और PT इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा QT, यही दोनों इक्वेशन आया था। तो ये दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं PT इक्वल टू गामा प्लस यहाँ पर QT को रिप्लेस करते हैं, QT को इलिमिनेट करते हैं, ये दोनों इक्वेशन से QT को इलिमिनेट करते हैं। कैसे इलिमिनेट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में QT का वैल्यू है ना अल्फा प्लस बीटा PT माइनस वन, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं सेकेंड में, तो सेकेंड में QT का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा PT माइनस वन पुट कर देंगे तो PT का वैल्यू हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा QT का वैल्यू क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा PT माइनस वन है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, PT इक्वल टू क्या हो गया गामा प्लस डेल्टा, यहाँ पर गामा प्लस डेल्टा और ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा डेल्टा और डेल्टा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा डेल्टा PT माइनस वन। चलिए आगे देखते हैं, दैट इज PT माइनस, ऐसा करते हैं ये जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं तो पी टी माइनस बीटा डेल्टा पी टी माइनस वन और इधर राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है गामा प्लस अल्फा डेल्टा, इसको हम लोग इक्वेशन थ्री कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टी का वैल्यू अगर वन पुट कर दिया जाए तो टी का वैल्यू वन पुट करने से ये पी वन हो जाएगा, तो पी वन इक्वल टू और यहाँ पर टी का वैल्यू अगर वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो मतलब पी जीरो हो जाएगा, तो बीटा डेल्टा पी जीरो और यहाँ पर गामा प्लस अल्फा डेल्टा यहाँ पर रहने दीजिए, टी का वैल्यू वन पुट किए थ्री में। अब फिर टी का वैल्यू हम लोग टू पुट करते हैं एंड टी का वैल्यू टू पुट करेंगे तो पी टू हो जाएगा और यहाँ पर टू माइनस वन हो जाएगा पी वन और बाकी ज्यों का त्यों रखें, तो ये दो इक्वेशन हम लोग बनाए हैं। अब देखिए आगे क्या है कि पी टू इक्वल टू इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर गामा प्लस अल्फा डेल्टा तो पहले से था ही और ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो बीटा इंटू डेल्टा पी वन आ जाएगा और यहाँ पर आप पी वन का वैल्यू पुट कर सकते हैं, पी वन का वैल्यू यहाँ फोर से निकल जाएगा, ये इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो पी वन का वैल्यू निकलेगा और पी वन का जो वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखिए पुट करके क्या आ रहा है पी टू इक्वल टू गामा प्लस अल्फा डेल्टा रहने देते हैं, बीटा डेल्टा भी रहने देते हैं और P1 का वैल्यू यहाँ से क्या होगा गामा प्लस अल्फा डेल्टा और ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा पी जी पी नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर P2 का वैल्यू निकल गया। अब चलिए इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, P2 इक्वल टू गामा प्लस अल्फा डेल्टा को एक ब्रैकेट में रखते हैं और ये दोनों यहाँ पर बीटा डेल्टा जो है ये बीटा डेल्टा गामा प्लस अल्फा डेल्टा में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले बीटा डेल्टा को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं गामा प्लस अल्फा डेल्टा में और ये बीटा डेल्टा को फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा डेल्टा इंटू बीटा डेल्टा का होल स्क्वायर और पी नॉट हो जाएगा, तो ये पी टू निकल गया। अब यहाँ से फिर गामा प्लस अल्फा डेल्टा दोनों से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए पी टू इक्वल टू इसको लास्ट वाला टर्म को हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप बीटा डेल्टा का होल स्क्वायर पी नॉट पहले लिखे हुए और ये दोनों से गामा प्लस अल्फा डेल्टा कॉमन ले ले तो यहाँ पर तो बच जाएगा वन और यहाँ पर हो जाएगा बीटा डेल्टा, तो ये एक इक्वेशन नंबर हम लोग सिक्स डाल दिए, ये पी टू निकल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि फ्रॉम थ्री, थ्री से पी थ्री का वैल्यू क्या था, पी थ्री का वैल्यू बीटा डेल्टा पी टू प्लस गामा अल्फा डेल्टा था, थ्री में था, ये कैसे थ्री में था जरा देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि थ्री में था या नहीं था, जरा समझ लीजिए इसको।
यहाँ पर हम लोग थ्री देखिए, थ्री यहाँ पर आया था ना, पी टी इक्वल टू बीटा डेल्टा पी टी माइनस वन प्लस गामा प्लस इक्वल टू गामा प्लस अल्फा डेल्टा। टी के जगह अगर हम लोग थ्री पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, जरा समझिए। यहाँ पर अगर थ्री पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा पी थ्री और माइनस बीटा डेल्टा पी टू हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा गामा प्लस अल्फा डेल्टा। तो यहाँ से पी थ्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हम लोग उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो गामा प्लस अल्फा डेल्टा और प्लस बीटा डेल्टा पी टू हो जाएगा। तो यही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूँ, समझिएगा इसके बारे में, मैं यहाँ पर वही चीज लिखा हूँ। मैं आगे आता हूँ, उस स्लाइड में चलता हूँ जहाँ पर था ये। तो देखिए एक मिनट थोड़ा सा, हाँ अब चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में पी थ्री इक्वल टू वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप देख रहे हैं पी थ्री इक्वल टू क्या है, पी थ्री इक्वल टू बीटा डेल्टा पी टू प्लस गामा अल्फा डेल्टा। ये कैसा आया फिर से समझ लीजिए, यही था ना थ्री, ये थ्री था। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, टी की जगह थ्री पुट कर देंगे तो पी थ्री हो जाएगा और यहाँ पर टी की जगह थ्री पुट करेंगे तो थ्री माइनस वन टू हो जाएगा और इसको हम लोग उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो बीटा डेल्टा पी टू हो जाएगा और गामा प्लस अल्फा डेल्टा यहाँ पर था ही। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ से पी टू का वैल्यू अभी हम लोग पिछले स्लाइड में निकाले थे, पी टू का वैल्यू यही आया था ना, पी टू का वैल्यू ये आया था। अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे सिक्स में नंबर में, लास्ट में, लास्ट स्लाइड में सिक्स नंबर में यही हम लोग लाए थे पी टू का वैल्यू। तो ये पी टू का वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर देते हैं तो देखिए पी टू पी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी थ्री इक्वल टू बीटा डेल्टा यहाँ रहने दीजिए और पी टू का वैल्यू, ये पूरा वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं बीटा डेल्टा का होल स्क्वायर पी नॉट इन प्लस वन प्लस बीटा डेल्टा गामा प्लस अल्फा डेल्टा। तो ये पूरा हम लोग पुट कर दिए और ये गामा प्लस अल्फा डेल्टा यहाँ पर ज्यों का त्यों है। अब चलिए आगे क्या करते हैं, देखिए इसके बारे में बीटा डेल्टा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीटा डेल्टा का होल क्यूब हो गया यहाँ पर पी नॉट और ये बीटा डेल्टा फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो बीटा डेल्टा इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा इंटू गामा प्लस अल्फा डेल्टा और ये बीटा डेल्टा फिर लास्ट वाला में भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर लगता है छूट गया, यहाँ पर बीटा डेल्टा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर नहीं मल्टीप्लाई, देखिए बीटा डेल्टा सिर्फ इसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। ये बीटा डेल्टा सिर्फ इसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई था, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ कर दिए बीटा डेल्टा का होल क्यूब और यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए और लास्ट में तो अलग है ये। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बीटा डेल्टा का होल क्यूब पी नॉट रहने देते हैं और ये गामा प्लस अल्फा डेल्टा यहाँ पर भी है, गामा प्लस अल्फा डेल्टा यहाँ पर भी है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं। ये जो दो टर्म है यहाँ पर लास्ट टू टर्म्स, तो उसमें से गामा प्लस अल्फा डेल्टा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच रहा है, ये देखिए बीटा डेल्टा अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ बीटा डेल्टा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बीटा डेल्टा का होल स्क्वायर और यहाँ पर गामा प्लस अल्फा डेल्टा तो कॉमन आ गया, यहाँ पर पूरा गामा प्लस अल्फा डेल्टा कॉमन आ जाएगा तो वन बच जाएगा। तो ये बीटा पी थ्री का वैल्यू आ गया बीटा डेल्टा का होल क्यूब पी नॉट प्लस, ये पहले लिखते हैं ये जो ब्रैकेट है लास्ट ब्रैकेट वन पहले लिख रहे हैं फिर बीटा डेल्टा लिख रहे हैं फिर बीटा डेल्टा का होल स्क्वायर ये गामा प्लस अल्फा डेल्टा को यहाँ पर रखेंगे। तो ये पी थ्री निकालिए, पी टू पहले से निकाले हुए थे। अब देखिए सिमिलरली पी फोर भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, कैसे पी फोर निकलेगा, यहाँ पी थ्री में बीटा डेल्टा का होल क्यूब आया है तो पी फोर में बीटा डेल्टा का पावर फोर हो जाएगा, पी नॉट यहाँ पर रहेगा, पी थ्री में ये वन प्लस बीटा डेल्टा का होल स्क्वायर तक गया, यहाँ पर थ्री है तो ये टू तक गया पावर और यहाँ पर फोर रहेगा तो पावर कहाँ तक जाएगा, थ्री तक जाएगा और गामा प्लस अल्फा डेल्टा यहाँ पर रहेगा ही। पी टू भी इसी तरीके से निकला था। अब चलिए देखिए पी टी, ये पी थ्री निकालनी है पी फोर निकालनी है, इसी तरीके से पी टी भी निकाल सकते हैं, ये जनरलाइज कर रहे हैं, ये थ्री के लिए था, ये फोर के लिए था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टी के लिए एक जनरल निकाल रहे हैं, पी टी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर फोर है तो यहाँ पर भी पावर फोर है, तो यहाँ टी है तो बीटा डेल्टा का पावर टी हो जाएगा, पी नॉट रहेगा ही और यहाँ पर फोर है तो यहाँ पर फोर टर्म्स है, फोर टर्म्स आप देख रहे हैं, ये वन प्लस बीटा डेल्टा वन से स्टार्ट हो रहा है, बीटा डेल्टा है, बीटा डेल्टा का होल स्क्वायर बीटा डेल्टा का होल क्यूब फोर टर्म्स है, ये पावर थ्री तक है, फोर है तो यहाँ पर पावर थ्री तक है और गामा प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर जब टी है तो ये टी टर्म्स होगा, पावर कहाँ तक जाएगा, टी माइनस वन तक जाएगा, देखिए वन प्लस बीटा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट बीटा डेल्टा का पावर टी माइनस वन तक जाएगा और ये गामा प्लस डेल्टा रहेगा ही। तो ये एक जनरलाइज कर दिए, पी टी निकालनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए पी टी हम लोग जो निकाले थे यहाँ पर मैं वही चीज लिखा हूँ जो पहले पिछले स्लाइड में निकाले थे। अब यहाँ पर देखिए पी टी इक्वल टू ये पी नॉट पहले लिखते हैं और बीटा डेल्टा का पावर टी यहाँ पर, और आप जान रहे हैं ये जीपी में है तो जीपी का सम क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन, जीपी का जो फॉर्मूला होता है सम का, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, कॉमन रेशियो आर है यहाँ पर, यहाँ पर इससे एक में आर के जगह क्या है बीटा डेल्टा है,
ए के जगह क्या है, ए के जगह वन है। आप देखिए यहाँ पर हम लोग ए के जगह वन है और कॉमन रेशियो बीटा डेल्टा, तो इस फॉर्मूला में ए के जगह वन पुट कर देंगे तो ये तो वन हो गया और वन माइनस आर टू द पावर एन, तो देखिए वन माइनस आर के जगह बीटा डेल्टा और एन नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पर एन टर्म्स है, सॉरी टी टर्म्स है, तो यहाँ पर पावर टी हो जाएगा डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, यहाँ वन माइनस आर आर के जगह बीटा डेल्टा और ये गामा प्लस अल्फा डेल्टा जो कहते हैं। तो क्या किए, जीपी का जो फॉर्मूला होता है इसमें एन टर्म्स है, ए के जगह वन है, कॉमन रेशियो बीटा डेल्टा है और नंबर ऑफ टर्म्स एन है, उस फॉर्मूला में पुट कर दें तो ये आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या निकलता है। पी टी इक्वल टू ये ज्यो का त्यों रहने देते हैं पी नॉट और बीटा डेल्टा का पावर टी। अब यहाँ पर गामा प्लस अल्फा डेल्टा इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस चीज को जरा समझिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, गामा प्लस अल्फा डेल्टा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और गामा प्लस अल्फा डेल्टा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, बीटा डेल्टा का पावर टी और इसमें भी गामा प्लस अल्फा डेल्टा मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय है क्या, डिवाइडेड बाय है वन माइनस बीटा डेल्टा। अब क्या कीजिए, इसको दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो ये इसमें डिवाइड करेंगे तो गामा प्लस अल्फा डेल्टा और डिवाइडेड बाय वन माइनस बीटा, और ये फिर इसमें भी डिवाइड करेंगे तो बीटा डेल्टा टू द पावर टी गामा प्लस अल्फा डेल्टा और ये डिवाइड होगा वन माइनस बीटा डेल्टा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं, ये जो टर्म है उसको हम लोग इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पी टी और ये गामा प्लस अल्फा डेल्टा डिवाइडेड बाय वन माइनस बीटा डेल्टा को हम लोग इधर ट्रांसपोज कर दिए और ये दोनों से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, बीटा डेल्टा टू द पावर टी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, बीटा डेल्टा टू द पावर टी कॉमन ले लिया, यहाँ पर पी नॉट बच रहा है और यहाँ पर बच रहा है गामा प्लस अल्फा डेल्टा डिवाइडेड बाय वन माइनस बीटा, इसको हम लोग सेवन कर दिए। जिस तरीके से ये निकाले हैं उसी तरीके से एक और निकाल सकते हैं, ऑल्सो क्या निकाल सकते हैं, टी के जगह अगर हम लोग टी माइनस वन कर दें तो इधर तो टी कहीं है नहीं, ये तो सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, ये सारा तो कांस्टेंट है, यहाँ चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ टी के जगह टी माइनस वन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी टी के जगह क्या हो जाएगा, टी माइनस वन हो जाएगा। चलिए पिछले स्लाइड में थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, यहाँ पर पिछले स्लाइड में ही मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कर रहे थे हम लोग कि ये तो ज्यो का त्यों रखे हैं, सिर्फ टी के जगह टी माइनस वन कर दिए तो इधर भी यहाँ पर जो टी है वहां पर हम लोग टी माइनस वन कर दिए, तो दो इक्वेशन बन गया सेवन और एट। अब यही दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, सेवन में एट से डिवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि डिवाइड करके क्या आता है, डिवाइडिंग सेवन बाय एट वी गेट क्या था, सेवन एट, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये सेवन था और ये एट था, तो सेवन और एट ये था तो दोनों को आप डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दिस डिवाइडेड बाय दिस, देखिए मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ, पी टी माइनस गामा प्लस अल्फा डेल्टा डिवाइडेड बाय वन माइनस बीटा डेल्टा ये वाला है और डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये वाला है, और राइट हैंड साइड में देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो सेम है तो सेम है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं बीटा डेल्टा का पावर टी और यहाँ पर बीटा डेल्टा का पावर टी माइनस वन है, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में एक पावर ज्यादा है नीचे से, तो सिर्फ बीटा डेल्टा बच जाएगा राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करके ये आ गया और राइट हैंड साइड जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो सारा कुछ कैंसिल हो रहा है, सिर्फ बीटा डेल्टा बच रहा है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ से, और ये जब हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वहाँ पर बच रहा है पी टी माइनस गामा प्लस अल्फा डेल्टा डिवाइडेड बाय वन माइनस बीटा डेल्टा, और जब ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी टी माइनस वन माइनस गामा प्लस अल्फा डेल्टा डिवाइडेड बाय वन माइनस बीटा डेल्टा और ये बीटा डेल्टा जो कहते हैं, तो ये नंबर हम लोग नाइन कर दिए। अब चलिए यहाँ पर ये जो नंबर है ये बार बार यूज होगा, इसको हम लोग इतना बड़ा नंबर नहीं लिख करके इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, ये पी टी रहने देते हैं और इसको हम लोग के मान लेते हैं, तो यहाँ पर के कर दिए इक्वल टू पी टी माइनस वन और यही चीज यहाँ पर भी है, तो ये चीज को हम लोग के माने हैं तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर के और ये बीटा डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर बार बार ये यूज होगा तो इसीलिए हम लोग इसको के मान लें, के किसको माने हैं यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब चलिए आगे देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे ही बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे जाऊँगा। अब जरा समझिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो समझने वाली चीज़ है, इसके बारे में समझिए। यहाँ पर अगर t के जगह वन पुट करें तो क्या होगा, यहाँ पर p वन माइनस k इक्वल टू यहाँ हो जाएगा p नॉट माइनस k इंटू बीटा डेल्टा बीटा। अब देखिए यहाँ पर बीटा में पहले बताया था कि पॉजिटिव है और डेल्टा बताया था कि नेगेटिव है, पहले वाला फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, शुरू में जो इक्वेशन आया था बीटा पॉजिटिव था डेल्टा नेगेटिव था, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा,
बीटा डेल्टा यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग पी वन माइनस के इक्वल टू बीटा डेल्टा नेगेटिव मान लेते हैं माइनस टू है, सोच कर लेते हैं माइनस टू है, बीटा डेल्टा को पहले मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव है मान लेते हैं माइनस टू है, और यहाँ पर पी नॉट माइनस के। अब जरा समझिए यहाँ पर अगर पी वन ज्यादा है के से तो ये अगर पॉजिटिव है, मान लेते हैं कि ये जो नंबर है वो क्या है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इधर भी ये क्या बनना पड़ेगा, इसको नेगेटिव बनना पड़ेगा, तब ना नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब पॉजिटिव होगा। देखिए ये पी नॉट माइनस के को नेगेटिव होना पड़ेगा, ये नेगेटिव होगा और ये माइनस टू नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, राइट साइड भी पॉजिटिव हो जाएगा और लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो ये वाला को नेगेटिव बनना पड़ेगा। समझिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि P1 माइनस के अगर पॉजिटिव है ये ग्रेटर देन जीरो है तो P0 माइनस के को यहाँ लेस देन जीरो होना पड़ेगा। क्यों, जरा इस चीज़ को आप फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि बीटा हम लोग जान रहे हैं कि पॉजिटिव है शुरू में देखे थे, डेल्टा नेगेटिव था, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाने के लिए बीटा डेल्टा का वैल्यू मैं माइनस टू ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन 10 आया उसमें हम लोग टी के जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो पी वन माइनस के इक्वल टू यहाँ हो जाएगा पी नॉट माइनस के और इंटू बीटा डेल्टा। अब ये पी वन माइनस के रहने देते हैं और बीटा डेल्टा का वैल्यू मैं एग्जांपल के रूप में माइनस टू ले रहा हूँ नेगेटिव, और ये पी नॉट माइनस के। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब ना दोनों इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव कैसे बनेगा, ये वाला नंबर अगर नेगेटिव आवे तब तो पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव बन जाएगा। तो P1 माइनस के अगर पॉजिटिव है तो P0 माइनस के नेगेटिव होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ P1 माइनस के अगर ग्रेटर देन जीरो है तो P0 माइनस के लेस देन जीरो होगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ जरा इसके बारे में समझिए। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो P1 जो है वो बड़ा होगा K से, और यहाँ से देखें तो P1 जो है वो स्मॉलर होगा K से। अगर नंबर लाइन पर K यहाँ लिखते हैं तो एक K से बड़ा है, P1 बड़ा है K से, और ये सॉरी P0 है, यहाँ पर क्या है P0 है, तो P1 बड़ा है K से तो P1 इधर आएगा, तो P0 जो है वो इधर आएगा, P0 इधर आएगा, K से एक बड़ा होगा और एक K से छोटा होगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करें, यहाँ पर 1 नहीं पुट करें, देखिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। अब जरा देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, या इसके बारे में समझिए कि हम लोग टी के जगह यहाँ पर जो है वो टी के जगह टू पुट करते हैं, तो टू पुट करने से क्या होगा, ये हो जाएगा पी टू और यहाँ हो जाएगा पी वन। तो बीटा डेल्टा अगर हम लोग निगेटिव लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से P2 माइनस के, और जैसा हम लोग अभी ले रहे थे बीटा डेल्टा माइनस टू ले रहे थे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा P1 माइनस के आ जाएगा। अब देखिए P2 माइनस के अगर ये पॉजिटिव है, ये नंबर को अगर हम लोग पॉजिटिव मान लें तो ये नंबर क्या होगा नेगेटिव होगा, ये नंबर नेगेटिव होगा। तो P1 माइनस के अगर नेगेटिव है, P1 माइनस के नेगेटिव है मतलब P1 माइनस के अगर लेस देन जीरो है तो P1 क्या हो जाएगा, P1 लेस देन के हो जाएगा। और P2 माइनस के यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ P2 माइनस के पॉजिटिव है ये ग्रेटर देन जीरो है तो P2 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन क्या के हो जाएगा। तो दो चीज़ आया, P2 K से बड़ा है और यहाँ पर देखिए P1 K से छोटा है। तो P1 अगर K से छोटा लेते हैं, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, P1 अगर K से K यहाँ पर है, P1 अगर K से छोटा है तो P2 क्या होगा K से बड़ा होगा। तो क्या बता रहा हूँ मैं इस फिगर में, देखिए यहाँ पर के एक तरफ पी नॉट है तो के दूसरे तरफ पी वन है, फिर यहाँ पर के एक तरफ पी वन है तो के दूसरे तरफ पी टू है, तो एक तरफ नहीं रहेगा। अगर पी नॉट के एक तरफ है तो पी टू दूसरे तरफ होगा, और पी टू जिधर है तो फिर पी थ्री दूसरे तीसरे तरफ दूसरे तरफ चला पहले तरफ चला जाएगा। कैसे जरा आप फिगर से समझिए, जो मैं यहाँ पर बता रहा था इसको मैं इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ, उसके बाद मैं फिगर से बताऊँगा तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहाँ पर एक उसी के बारे में बता रहा हूँ कि बीटा जो था वो ग्रेटर देन जीरो था और डेल्टा लेस देन जीरो था। बीटा जो है वो ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा लेस देन जीरो कैसे, जरा इसके बारे में समझिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, यहाँ पर फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे वो था,
बीटा ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा लेस देन जीरो, मैं यहाँ पर इस स्लाइड में आ गया हूँ। देखिए लिखा हुआ है ना बीटा ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है यहाँ पर, अब देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, बीटा ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ डेल्टा जो है वो लेस देन जीरो लिखा हुआ है। तो मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ कि बीटा जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और डेल्टा जो है वो लेस देन जीरो है। तो चलिए अब जहाँ पर मैं जिस स्लाइड में था वहाँ पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि बीटा ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा लेस देन जीरो था, तो बीटा डेल्टा क्या होगा, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग पहले लाए थे पी टी माइनस के इक्वल टू पी टी माइनस वन माइनस के इंटू बीटा डेल्टा इक्वेशन 10 में, जिससे मैं यहाँ समझा रहा था जहाँ पर के का वैल्यू ये था। अब यहाँ से देखिए कि पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री आर अल्टरनेटली ग्रेटर एंड लेस देन के, मैं जो अभी समझा रहा था क्या समझा रहा था जरा फिर से आप इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि मेन चीज ये है समझना है यहाँ पर कि मान लेते हैं के यहाँ पर है। अब अगर यहाँ पर पी टी में टी के जगह अगर हम लोग वन पुट कर दें तो पी वन माइनस के आएगा, और यहाँ पर टी के जगह वन पुट करेंगे तो पी नॉट माइनस के आएगा, और यहाँ पर बीटा डेल्टा नेगेटिव है तो मान लेते हैं कि ये माइनस टू है। अब पी नॉट माइनस के हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं इसी को ले लेते हैं नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो पी नॉट माइनस के लेस देन जीरो है, मतलब ये पी नॉट माइनस के यहाँ पर नेगेटिव है लेस देन जीरो है, तो पी नॉट क्या होगा लेस देन के होगा, तो पी नॉट इधर आएगा, मान लेते हैं कि पी नॉट यहाँ पर है। अब दूसरा पी वन माइनस के पॉजिटिव है, देखिए पी वन माइनस के पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है, तो ये पी वन ग्रेटर देन के हो जाएगा, तो के से बड़ा होगा पी वन, तो पी वन यहाँ पर आ जाएगा नंबर लाइन पर, देखिए पी वन इधर आ जाएगा के राइट साइड में आ जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर के जगह टी के जगह टू पोट करें, देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अगर टू पोट करते हैं तो पी टू माइनस के और बीटा डेल्टा माइनस टू लेते हैं और यहाँ पर टू पुट करेंगे तो पी वन माइनस के हो जाएगा, और पी वन माइनस के यहाँ पर क्या आया था, पी वन माइनस के देखिए यहाँ पर पॉजिटिव था, देखिए तो पी वन माइनस के पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव हो गया तो पी टू माइनस के लेस देन जीरो आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ से पी टू लेस देन के हो जाएगा, तो लेस देन के हो गया मतलब पी टू इधर आ जाएगा। अब फिर अगर यहाँ पर t के जगह 3 पुट करें तो इसी तरीके से देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ p3 थ्री माइनस के इक्वल टू बीटा डेल्टा अगर माइनस टू मान लें तो ये हो जाएगा p2 टू माइनस के हो जाएगा। अब p2 टू माइनस के क्या है यहाँ पर, देखिए p2 टू माइनस के यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है लेस देन जीरो है, तो ये नेगेटिव है और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया तो p3 थ्री माइनस के जो है वो पॉजिटिव हो गया, तो p3 जो है वो बड़ा हो जाएगा k से, तो k इधर है तो p3 इधर आ जाएगा। तो क्या मैं बता रहा हूँ कि p0, p1, p2, p3 ये अल्टरनेटली k से एक बड़ा होगा और k से एक छोटा होगा, देखिए k से ये p0 छोटा है तो p1 बड़ा है, और p1 बड़ा है तो p2 छोटा है, p2 छोटा है तो p3 बड़ा है, तो अल्टरनेटली एक पॉजिटिव होगा, k से बड़ा होगा और एक छोटा होगा। अगर हम लोग P नॉट को बड़ा मान ले तो P1 छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि P नॉट P1 P2 P3 आर अल्टरनेटली ग्रेटर एंड लेस देन के, एक तो ये समझने वाला चीज़ था। अब चलिए इसको मैं इस सारा चीज़ को इरेज कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इफ बीटा डेल्टा का मॉडुलस ग्रेटर देन वन है देन डेविएशन ऑफ पी टी फ्रॉम गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑन द अदर हैंड, ये क्या, ये मैं बता रहा हूँ कि बीटा डेल्टा का मॉडुलस अगर ग्रेटर देन वन है, बीटा डेल्टा यहाँ तो नेगेटिव है लेकिन ये इसका जो मॉडुलस वैल्यू आएगा वो अगर ग्रेटर देन वन है, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल बता रहा था यहाँ पर, जरा समझिएगा कि पी टी माइनस के इक्वल टू बीटा डेल्टा हम लोग अगर माइनस टू ले लें, माइनस टू ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा पी टी माइनस वन माइनस के, ये पी टी और के का डिविएशन है, मान लेते हैं के यहाँ पर है तो पी टी यहाँ पर है, तो ये क्या बता रहा है, पी टी माइनस के कौन सा डिस्टेंस बताएगा, ये डिस्टेंस बताएगा पी टी माइनस के, तो ये डिस्टेंस होगा, और वो क्या है, वो जो है वो पी टी माइनस के डिविएशन का डबल है, पी टी माइनस के का डिविएशन का, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर पी टी माइनस के का डिविएशन का डबल मैग्नीट्यूड में डबल है, अभी साइन आप छोड़ दीजिए, पी टी माइनस के का जो भी डिविएशन होगा उससे डबल है, कौन सा डबल है,
पीटी मानस के। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा समझिए, पीटी मानस के पी नहीं अगर लिखे यहाँ पर, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अगर पी टू कर दें, पी टू माइनस के, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू और यहाँ हो जाएगा पी वन माइनस के। अब जरा समझिए इसके बारे में, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पर नंबर लाइन पर, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप लीजिए के, और इसको जरा समझिए यहाँ पर कि P1 माइनस K, P1 और K का जो डिफरेंस है उसका डबल होगा P2 माइनस K का डिफरेंस। तो मान लेते हैं कि P1 माइनस K यहाँ पर है, P1 यहाँ पर है, तो P1 माइनस K का जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा होगा, डबल होगा P2 माइनस K। और जिधर P1 है उधर P2 नहीं होगा, P2 क्या होगा, अलग साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखा हो ना, मैं अभी यहाँ पर वही समझा रहा था कि P0, P1, P2, P3 जो है वो अल्टरनेटली ग्रेटर एंड लेस देन के, K के एक तरफ P0 है तो दूसरे तरफ P1 है, दूसरे तरफ P1 है तो पहले तरफ P2 है, P2 अगर पहले तरफ है तो दूसरे तरफ P3 है, तो अल्टरनेटली है यहाँ पर। तो यहाँ पर समझिए इसके बारे में कि P1 अगर यहाँ पर है तो P2 K के दूसरे साइड होगा, और P2 माइनस K का जो डिफरेंस होगा वो P1 माइनस K के डिफरेंस का डबल होगा। तो P1 माइनस K का डिफरेंस से ये ज़्यादा होगा, डबल होगा। तो ये कब हो रहा है, जब बीटा डेल्टा का वैल्यू हम लोग उसका मॉडुलस वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर देन वन अगर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में बीटा डेल्टा का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, माइनस टू, ऐसा तो बीटा डेल्टा नेगेटिव है, माइनस टू, मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो टू ले रहे हैं, ग्रेटर देन वन ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ, पी वन माइनस के से ज़्यादा हुआ पी टू माइनस के, तो पी टू माइनस के का जो वैल्यू आएगा वो ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग P1 माइनस K का अगर बात करें, P2 माइनस K का बात करें, फिर P3 माइनस K का बात करें, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। P1 माइनस K से बड़ा हो गया P2 माइनस K, यहाँ पर P2 माइनस K ये वाला डिस्टेंस आएगा वो बड़ा हो गया, तो P1 माइनस K से बड़ा होगा P2 माइनस K, P2 माइनस K से P3 माइनस K बड़ा होगा, P3 माइनस K से फिर P4 माइनस K बड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ, देन डेविएशन ऑफ PT फ्रॉम गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये जो PT का जो डिविएशन है किससे, K से डिविएशन जो होगा, K से जो डिविएट कर रहा है PT, वो गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ते जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बीटा डेल्टा लेस देन वन रखें तब क्या होगा, अगर लेस देन वन रखें तो ये डिविएशन जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। P1 माइनस K, यहाँ पर मैं नंबर लाइन पर बता दे रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि ये K है, अगर P1 को यहाँ पर रखते हैं, P1 यहाँ रखते हैं, तो P1 माइनस K का जो डिस्टेंस होगा उससे कम होगा P2 माइनस K का डिस्टेंस, ये P2 माइनस K का डिस्टेंस कम होगा, और P2 माइनस K का डिस्टेंस से फिर कम होगा P3 माइनस K का डिस्टेंस, P3 माइनस K का डिस्टेंस कम होगा, फिर P3 माइनस K के डिस्टेंस से कम होगा P4 माइनस K का डिस्टेंस, P4 माइनस K का डिस्टेंस कम होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। कब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, जब बीटा डेल्टा जो है वो आप अगर लेस देन वन रखते हैं तब, बीटा डेल्टा का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन वन रखते हैं, ग्रेटर देन वन में क्या हुआ कि ये डिविएशन ज़्यादा हो रहा था, डिविएशन इंक्रीज कर रहा था, और अगर हम लोग ये लेस देन वन रखते हैं तो डिविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है, पी वन माइनस के का जो वैल्यू आएगा उससे कम होगा पी टू माइनस के का, और पी टू माइनस के का जो वैल्यू आएगा उससे कम होगा पी थ्री माइनस के का। लेकिन मैग्नीट्यूड में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव साइन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा तो तीसरा पॉजिटिव होगा, तो अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव आएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो किस तरीके का फिगर बनेगा, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फिगर देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये फिगर बनेगा, मान लेते हैं पी नॉट, ये जो के है ना, के बीच में हम लोग ले रहे थे, के को ही पी मान ले रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, के पी जो के आ रहा है उसी को पी मान रहे हैं। तो K के एक तरफ P0 है तो दूसरे तरफ P1 होगा, और दूसरे तरफ P1 है तो पहले तरफ फिर P2 आ जाएगा, P2 इधर है तो P3 इधर होगा, P3 इधर है तो P4 इधर होगा, अल्टरनेटली होगा। और अगर आप डिस्टेंस की बात करें, डिविएशन की बात करें, तो K से जो डिविएशन होगा P0 का उससे कम होगा P1 का डिविएशन यहाँ पर, और जो P1 और K का डिविएशन होगा उससे फिर कम होगा किसका, P2 और K का, और P2 और K का जो डिविएशन होगा उससे कम होगा फिर P3 और K का, फिर P3 और K का जो डिविएशन होगा उससे कम होगा फिर P4 और K का, P4 और K का जो डिविएशन होगा उससे कम होगा P5 और K का।
तो ये जो डिफरेंस आएगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, तो कम होते जाएगा, तो P5 यहाँ पर है, P6 जो है वो K से थोड़ा नज़दीक हो जाएगा, P5 जितना दूर था K से अब P6 जो है वो थोड़ा कम दूर हो जाएगा, P6 से भी कम दूर होगा P7, P7 से भी कम दूर होगा P8, P8 से भी कम दूर होगा P9, तो धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते किधर जा रहा है, K की तरफ जा रहा है। P1 देखिए, P0 अभी ज़्यादा दूर था P1 K से अगर दूरी की बात करें तो सबसे ज्यादा दूर P0 था, उससे कम दूर हुआ P1, हालांकि ये राइट लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, लेकिन P1 कम दूर हुआ K से, फिर P2 उससे भी कम हो गया, फिर P3 उससे भी कम हो गया, फिर P4 उससे कम हो गया, तो धीरे धीरे ये जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो वो K के नजदीक जा रहा है। ये केस हुआ जब P0 बड़ा है PE से। ये फिगर 1, एक और फिगर बन सकता है, देखिए यहाँ पर P0 ग्रेटर देन PE लिए थे और यहाँ पर P0 लेस देन PE लिए, तो उसमें अंतर सिर्फ यही होगा कि P0 जो है वो पहले आ जाएगा और P1 इधर चला जाएगा, लेकिन ये भी धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस आगे हम लोग अगले साल की प्राइस की तरफ जाएंगे तो वो K के नजदीक जाएगा। P क्या बता रहा है, प्राइस में बता रहा था कॉमोडिटी का, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे नजदीक जाएगा। तो ये कौन सा केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये केस कंसिडर कर रहे हैं बीटा डेल्टा का, जब मॉडुलस लेस देन वन है तब यही केस हम लोग ले रहे हैं। बीटा डेल्टा का मॉडुलस ग्रेटर देन वन अब हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग को नहीं लेना है, हम लोग को लेना है इसको बीटा डेल्टा लेस देन वन लेना है, तो प्राइस जो है वो K के नजदीक चलते चला जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए मैं यहाँ पर आप देखिए क्या बताता हूँ, जरा इसके बारे में समझिए कि फिगर 1 एंड 2 शो दैट द प्राइस अप्रोचेज द इक्विलिब्रियम प्राइस पी। पी जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, पी इक्वल टू के था, और के हम लोग किसको माने थे, गामा प्लस अल्फा डेल्टा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा डेल्टा को माने थे। मैं बताया था ना कि ये काफी लंबा है, इसको हम लोग के मान लेते हैं। तो ये जो है वो प्राइस अप्रोचेज टू द इक्विलिब्रियम प्राइस पी एज टी इंक्रीजेज इन 2 केसेज। ये टी जो है जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे प्राइस जो है वो धीरे धीरे पी के नजदीक जा रहा है, पी मतलब के नजदीक जा रहा है। और यहाँ 2 केस कंसिडर किए, P0 ग्रेटर देन PE और 1 केस कंसिडर किए P0 लेस देन PE। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इन द सेम वे इलिमिनेटिंग PT फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अभी हम लोग QT को इलिमिनेट किए थे 1 और 2 में, जरा समझिए इसको मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो बताया वो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है बताएं, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा। पहले ये बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, चलिए पहले फटाफट आप बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। जितने भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं आप बताएं कि ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। भाई आरती क्या बात है, लेट ज्वाइन कर रही हैं, लेट तो ज्वाइन नहीं करना था, ममता सभी को तो टाइम पर ज्वाइन करना था, क्योंकि लाइव क्लास जो होता है वो एकदम परफेक्ट टाइम पर होता है, तो वहाँ पर लेट आप नहीं कर सकते हैं, लेट करेंगे तो फिर दिक्कत है। चलिए देखिए यहाँ पर 1 और 2 के बारे में बताया था कि 1 और 2 से अब PT को इलिमिनेट करेंगे, तो 1 2 क्या था, चलिए वहाँ पर चलते हैं, जो स्लाइड में यहाँ दिखाया था 1 और 2, थोड़ा सा ये पर्दे को हटने दीजिए फिर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं बता रहा था कि क्या किए थे हम लोग, यहाँ से पहले QT को इलिमिनेट किए थे, QT का वैल्यू यहाँ पर पुट किए थे ना, ये अल्फा प्लस बीटा PT-1 यहाँ पर पुट कर दिए थे QT के जगह। अब हम लोग क्या करेंगे, PT को इलिमिनेट करेंगे, तो PT को कैसे इलिमिनेट करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ PT को कैसे इलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर आप जरा समझिए QT इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और PT-1 है, तो PT-1 सेकेंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, देखिए PT-1 अगर लिखना हो यहाँ T की जगह T-1 कर दें तो यहाँ पर PT-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा QT-1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गामा प्लस डेल्टा QT-1 ये हो जाएगा। तो क्या होगा, PT हट जाएगा ना यहाँ से, देखिए PT अब नहीं है, यहाँ पर क्या है QT है, पहले हम लोग PT को इलिमिनेट किए थे, सॉरी QT को इलिमिनेट किए थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं PT को इलिमिनेट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो मैं बता रहा था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं कि नाउ इन द सेम वे, जिस तरीके से पहले काम किए बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग इलिमिनेट करें, इलिमिनेटिंग पीटी
फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, क्या मिलेगा जरा इसके बारे में समझिए। QT माइनस बीटा डेल्टा QT माइनस वन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डेल्टा मिल जाएगा, मैं भी बता रहा था वहां पर, तो आप देख सकते हैं उसको कुछ विशेष नहीं है, वहां से आ जाएगा ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, QT माइनस बीटा डेल्टा QT माइनस वन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डेल्टा आ जाएगा, और विच इज सॉल्यूशन, यहां से हम लोग सॉल्व करके इस तरीके का एक इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि पहले जो बनाए थे उसमें क्या था जरा देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, ये इक्वेशन आया था पहले वाला थ्री इक्वेशन ये आया था, और इससे ये बनाए थे हम लोग नाइन नंबर। तो इसमें थ्री और इलेवन में क्या अंतर है, यहाँ पर PT की जगह QT है, बीटा डेल्टा की जगह बीटा डेल्टा है, PT माइनस वन की जगह QT माइनस वन है। यहाँ पर देखिए जो थ्री में गामा था, गामा की जगह अल्फा है, और यहाँ अल्फा डेल्टा था उसके जगह बीटा गामा है। तो जो यहाँ से थ्री से इक्वेशन हम लोग ये बनाए थे नाइन नंबर, उसमें भी चेंज होगा, जहाँ गामा है वहाँ अल्फा हो जाएगा, जहाँ अल्फा डेल्टा है वहाँ पर बीटा गामा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा डेल्टा है वहाँ पर बीटा गामा हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग 11 की बात करें तो 11 से ये बन जाएगा 12 नंबर, यही बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या चेंज होगा, गामा के जगह यहाँ पर जो गामा दिख रहा है आपको, गामा के जगह हो जाएगा, गामा के जगह क्या था अल्फा था, तो गामा के जगह अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा डेल्टा की जगह बीटा गामा, तो यहाँ अल्फा डेल्टा की जगह बीटा गामा, और नीचे वही रह जाएगा वन माइनस बीटा डेल्टा ही रह जाएगा, और यहाँ पर भी गामा प्लस अल्फा डेल्टा है तो उसके जगह अल्फा प्लस बीटा गामा हो जाएगा और वन माइनस बीटा डेल्टा, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सिमिलरली इस तरीके से लिख देना ये आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑल्सो जिस तरीके से मैं बताया कि पीटी जो है वो ओसिलेट कर रहा था, उसी तरीके से क्यूटी ओसिलेट करेगा अबाउट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेवल क्यूई। क्या मैं बताया था वहां पर, मैं बताया था ना कि पीटी जो है ओसिलेट कर रहा था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल था के, के को हम लोग पी माने थे, और के का वैल्यू कुछ था, के का वैल्यू क्या था, यही था गामा प्लस अल्फा डेल्टा डिवाइडेड बाय वन माइनस बीटा गामा, यही था के का वैल्यू। तो ओसिलेट कर रहा था, यहाँ पर पी नॉट था तो इधर आ जाता था पी वन, पी वन इधर था तो पी टू इधर आ जाता था, पी टू इधर था तो पी थ्री इधर आ जाता था, तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी उसी तरीके का इक्वेशन बन रहा है, आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन बन रहा है उसी तरीके का इक्वेशन बन रहा है, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पोजिशन जो होगा यहाँ पर क्यू ई मान लेते हैं, तो क्यू नॉट अगर इधर होगा तो क्यू वन इधर चला जाएगा, क्यू वन अगर इधर है तो क्यू टू इधर आ जाएगा, क्यू टू इधर है तो क्यू थ्री इधर आ जाएगा, तो ओसिलेट करेगा एक बार इधर एक बार उधर होगा। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि ऑल्सो क्यू टी ओसिलेट्स अबाउट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू ई, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये वाला आएगा अल्फा प्लस बीटा गामा डिवाइडेड बाय वन माइनस बीटा डेल्टा, और बीटा डेल्टा का मॉडुलस हम लोग लेस देन वन ही रखेंगे, क्योंकि वहां पर भी हम लोग लेस देन वन रखे थे, ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन वन का तो कंसिडर किए ही नहीं थे। तो द वेरिएशन ऑफ बोथ प्राइसेज एंड क्वांटिटीज इज साउंड साइमल्टेनियसली इन द फॉलोइंग फिगर, तो दो इक्वेशन बन सकता है, एक तो प्राइस का और एक क्वांटिटी का, तो दोनों को अगर हम लोग एक ही फिगर में दिखाएं तो कौन सा फिगर बनेगा, चलिए उस फिगर को देखिए, मेन वही फिगर है, कॉगवे पाथ कहते हैं उसको, ये देखिए ये फिगर के बारे में। अब जरा समझिए ये पी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ ये जीरो है, ये ओरिजिन है यहाँ पर, अब उसके बाद आप समझिए ये है पी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, और पी नॉट अगर हम लोग इधर मानते हैं तो पी नॉट इधर है तो पी वन इधर होगा, पी वन इधर है तो पी टू इधर होगा, पी टू इधर है तो पी थ्री इधर होगा, इस तरीके से आगे फिर पी फोर इधर होगा, पी फाइव इधर होगा, पी सिक्स इधर होगा, और धीरे धीरे पी के नज़दीक जाएगा। और इधर अगर हम लोग इस लाइन में जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल एक्सेस में हम लोग क्यू टी को दिखा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में किसको दिखा रहे हैं प्राइस को, और वर्टिकल में दिखा रहे हैं हम लोग क्वांटिटी को, जो कमोडिटी अवेलेबल है मार्केट में उसके क्वांटिटी को क्यू टी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर Q नॉट अगर यहाँ पर है, QE जो है वो QE के बारे में भी मैं लिख देता हूँ, ये इक्विलिब्रियम प्राइस में यहाँ पर QE होगा, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये हो जाएगा QE, तो ये QE है अगर यहाँ पर, तो QE के इधर अगर Q नॉट है तो Q1 उधर चला जाएगा, Q1 उधर है तो Q2 इधर आ जाएगा, Q2 इधर है तो Q3 इधर चला जाएगा। अब स्टार्टिंग में मान लेते हैं, देखिए प्राइस और क्वांटिटी ये है स्टार्टिंग में, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट पर ये पी नॉट, पी नॉट मतलब जीरो ईयर जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एनालिसिस करना, उस ईयर में ये प्राइस है और ये कमोडिटी है, तो ये देख रहे हैं पी नॉट यहाँ पर था और क्यू नॉट यहाँ पर था, तो ये कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, पी नॉट क्यू नॉट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग यहाँ तक जाएंगे, क्या होगा नेक्स्ट ईयर जो है, ये स्टार्टिंग ईयर में क्यू नॉट था, अब क्या होगा पहले मार्केट में क्वांटिटी मतलब प्रोडक्ट आता है, उसके बाद ना फिर प्राइस डिसाइड होता है,
अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर की बात करें, जब हम लोग नेक्स्ट साल जाएंगे, स्टार्टिंग साल जो भी प्राइस क्वांटिटी था वो उससे आप उसको वो मतलब नहीं है, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर में पहले क्या होगा, मार्केट में प्रोडक्ट आएगा। अब कितना प्रोडक्ट आया उस पर प्राइस डिपेंड करेगा, प्राइस जो है उसके अनुसार फिक्स होगा। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया तो प्राइस कम हो जाएगा, अगर कम प्रोडक्ट आया, कम क्वांटिटी आया किसी चीज़ का, तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए टमाटर मार्केट में है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में है, तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। अगर टमाटर बहुत ज़्यादा आ चुका है तो प्राइस उस समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले हम लोग क्यू नॉट जो क्वांटिटी था, जीरो ईयर में जो क्वांटिटी था, अमाउंट था, अब क्यू नॉट से क्यू वन की तरफ गया, मतलब अब पहला साल क्यू वन क्वांटिटी आ चुका है मार्केट में। अब प्राइस डिसाइड होगा, क्वांटिटी जब आ चुका है, प्रोडक्ट आ चुका है, तब उसका प्राइस डिसाइड होगा। तो उसका प्राइस अब जो है वो फर्स्ट ईयर प्राइस क्या होगा, फर्स्ट ईयर अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए क्यू वन यहाँ पर, पी वन प्राइस यहाँ पर है, आप देख रहे हैं पी वन प्राइस जो है वो यहाँ पर है, तो ये पॉइंट इधर मूव करेगा और यहाँ पर आएगा, ये प्राइस पी वन हो गया और क्यू वन हो गया प्रोडक्ट। तो क्यू वन क्वांटिटी बता रहा है और पी वन उसका प्राइस बता रहा है। देखिए फिर से समझिए, ये स्टार्टिंग ईयर प्राइस था और स्टार्टिंग ईयर क्वांटिटी था प्रोडक्ट का, कमोडिटी का। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, क्वांटिटी आएगा सबसे पहले, अमाउंट आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो प्रोडक्ट मान लेते हैं कि क्यू वन प्रोडक्ट आ गया, तो क्यू वन प्रोडक्ट आ गया तो फर्स्ट ईयर जो प्राइस होगा, तो फर्स्ट ईयर का प्राइस अब तो इधर आ चुका है, तो हम लोग को पॉइंट को मूव करके यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये पी वन क्यू वन हो गया इसका प्राइस और कमोडिटी। अब उसके अगले साल जब जाएंगे, ये पहला साल का हुआ, जब हम लोग दूसरे साल में जाएंगे, तो दूसरे साल में पहले मार्केट में क्वांटिटी आएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट वहाँ पर अवेलेबल है, तो क्यू टू अमाउंट अवेलेबल होगा सेकेंड ईयर। तो क्यू टू अमाउंट अवेलेबल होगा, तो हम लोग को इस पॉइंट से यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ जब आ जाएंगे तो ये क्यू टू अमाउंट जब हम लोग पहुँच चुके हैं, तो अब सेकेंड ईयर प्राइस डिसाइड होगा। जब मार्केट में प्रोडक्ट आ चुका है, उसके बाद प्राइस डिसाइड होगा, तो प्राइस डिसाइड होगा पी टू, सेकेंड ईयर का प्राइस पी टू है, तो पी टू आपका देख रहे हैं यहाँ पर है, तो ये पॉइंट अब मूव करके यहाँ आ जाएगा पी टू, तो ये हो जाएगा पी टू क्यू टू। इसी तरीके से फिर आप पी थ्री में, सॉरी पहले क्वांटिटी आएगा, तो क्यू थ्री क्वांटिटी आएगा, थर्ड ईयर का क्वांटिटी यहाँ पर आएगा, फिर थर्ड ईयर का क्वांटिटी जब आ जाएगा तो थर्ड ईयर का प्राइस यहाँ पर है, तो ये फिर इधर मूव करेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, इस तरीके से पाथ की तरफ चलेगा और चल करके वो कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजिशन यहाँ पर आ जाएगा, यही इक्विलिब्रियम पोजिशन है। तो ये जो मूव कर रहा है, ए से पहला साल जो है प्राइस पी नॉट था और क्वांटिटी क्यू नॉट था, लेकिन जो पहले ये जीरो ईयर में स्टार्टिंग इनिशियल में, लेकिन पहले साल जो है वो प्राइस अब यहाँ पर आ गया पी वन और क्यू वन, लेकिन ये मूव करेगा बी पाथ से, बी पॉइंट से, ए से सी की ओर जाएगा लेकिन भाया बी जाएगा। तो ए से सी की ओर गया लेकिन भाया बी गया, फिर सी से यहाँ ई की तरफ आएगा लेकिन भाया डी होते हुए आएगा। तो इस तरीके से ये बनता है पाथ, इसको कोवे पाथ कहते हैं। तो देखिए द पाथ ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इज दस गिवन बाय द कोवे पाथ, ए बी सी डी नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, ए बी सी डी ई वगैरह। तो ये कोवे पाथ से प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड होता है, एंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आर गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन। और इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा क्वांटिटी का और प्राइस का, दोनों का, क्वांटिटी का भी इक्विलिब्रियम पोजिशन और प्राइस का भी जो इक्विलिब्रियम पोजिशन होगा, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वही इक्विलिब्रियम पोजिशन हो जाएगा। तो ये हुआ कोवे मॉडल। अब ये कोवे मॉडल आपको क्लियर समझ में आया या नहीं, आप जरा बताएं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जरा बताएं कि ये पूरा क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। अगर क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मैं फिर से बताऊंगा। राहुल, ममता, संजीत, मंटू, आरती, सब बताएं क्लियर है ये या नहीं है। अगर जो भी लेट ज्वाइन किए हैं वो फिर बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं, या अगर आपको उतारना हो, कुछ भी डाउट है तो ये अभी आपका रहेगा यूट्यूब पर, तो उस यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में साउंड बहुत अच्छा नहीं था, तो इसीलिए मैं वो अनलिस्टेड कर दिया हूँ। अगर आपके पास लिंक है तो लिंक्स के थ्रू जा कर के देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन लिंक के थ्रू आप जा कर के चेक कर सकते हैं। राहुल क्लियर है, संजीत क्लियर है। तो चलिए, ये कोवे मॉडल मैं आज बताया हूँ और आज यहीं तक मैं रखता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में का भी ये पीपीटी वगैरह बना हुआ है, तो कल उम्मीद करता हूँ कि कल 8 बजे या 9 बजे फिर से मैं एक लाइव क्लास लूँगा और एक और मॉडल के बारे में बताऊँगा।
इस वीडियो में बस यहीं तक। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।